हम निकल चुके हैं यहाँ पर घर से, और देखिए कितना अच्छा मौसम हो रखा है। बारिश हो रही थी, बहुत अच्छा मौसम था, और लेकिन वीडियो उसी की वजह से, बारिश की वजह से थोड़ा सा वीडियो उतना क्लियर नहीं है जितना होना चाहिए था, बट फिर भी बहुत अच्छा लगा, और आपको भी आगे देख के बहुत अच्छा लगेगा वीडियो में। तो बने रहिए और देखते रहिए वीडियो को पूरा लास्ट तक। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, और जिसका नाम है ब्लॉग्स विद रजनी कोठारी। और आज मैं आ गई हूँ मोहाली, मोहाली के चप्पड़चिड़ी में। तो यहाँ पर बहुत अच्छी जगह है ये, तो आपको आज व्यू कराने वाले हैं चप्पड़चिड़ी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर अब बारिश भी शुरू हो गई है, और मेरे साथ आए हैं मेरी फ्रेंड्स तो और बच्चे, तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या है। फ्रेंड्स, ये है हमारे भारत की सबसे ऊंची मीनार। वैसे तो कहा जाता है कुतुब मीनार की, कुतुब मीनार सबसे ऊंचा है, बट नहीं, कुतुब मीनार से भी ऊंचा है चप्पड़चिड़ी फतेह बुर्ज। फ्रेंड्स, यहाँ एंट्रेंस में सारी की सारी हिस्ट्री लिखी गई है चप्पड़चिड़ी की लड़ाई की। बाबा बंदा बहादुर जी थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी यहाँ पर मुगलों के खिलाफ, और फतह हासिल की थी। तो जिसमें जिस लड़ाई में उनके साथ दिया था 5 जनरल ने, और आज जिनकी स्टैचू यहाँ पर लगाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं आगे वीडियो में। यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं हमारे भारत की सबसे ऊंची मीनार फतेह बुर्ज, जिसकी हाइट है 328 फीट, और मीटर में अगर देखें तो यह है 100 मीटर्स। कहा जाता है ये कुतुब मीनार से ऊंची है। कुतुब मीनार की जो हाइट है वो 73 मीटर्स है, तो इस हिसाब से ये इसकी हाइट सबसे ऊंची है। ये सबसे टॉलेस्ट बुर्ज हुआ भारत का। ये शू ले रहा था मेरे स्लो मोशन वीडियोस, तो वही मेरे को बता रहा था कि इस तरह से वीडियोस नहीं है मम्मा। और यहाँ पर अभी उसने मेरे हाथ से कैमरा ले लिया है और अपनी वीडियोस बना रहा है, ताकि ये जो मीनार है ये पूरी दिखे। और अब चलिए चलते हैं स्टैचू की तरफ और देखते हैं, आपको पास से दिखाती हूँ स्टैचूज। ये है भाई राम सिंह जी का स्टैचू, और यहाँ पर फ्रेंड्स आगे भाई बाज सिंह जी का स्टैचू था। और अभी चलते हैं आगे और आगे देखते हैं भाई माली सिंह जी का स्टैचू। ये भाई माली सिंह जी का स्टैचू है। बोर्ड में दोनों तरफ से मतलब पंजाबी में भी और इंग्लिश में दोनों उसमें लिखा हुआ था लैंग्वेजेस में। और ये है भाई आली सिंह जी का स्टैचू। और फ्रेंड्स, यहाँ पर भाई फतेह सिंह जी का स्टैचू है ये वाला, और यहाँ बच्चे कर रहे हैं मस्ती, उनकी फोटो शूट चल रहा था। देखो तीनों जी, अच्छा फोटो खींची तो ये मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर। बच्चे जा चुके हैं, हम भी जा रहे हैं, धीरे धीरे वीडियोस बनाते बनाते जा रहे हैं। तो चलते हैं, देखते हैं आगे और क्या क्या है, तो जुड़े रहिए, देखते रहिए वीडियो कहाँ। अभी हमें भी नहीं पता, हम भी फर्स्ट टाइम आए हैं। जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग आ रखे हैं यहाँ पर चप्पड़चिड़ी में, और हम लोग बैठे हैं यहाँ पर। तो मेरे साथ आई है मेरी फ्रेंड अंजना। और अंजू, कैसे लग रहे हैं यहाँ पर घूम के? बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है, जगह हाँ। तो ये मोहाली में ही है, और ये आ गई जिया।
फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ बच्चे भी देख के बहुत खुश हुए, उनको भी यहाँ की यहाँ का इतिहास पता चला तो बहुत खुश थे। और यहाँ पर ये यीशु जा रहे अपने पापा के पास कैमरा लेके, अब इसने कैमरा अपने पापा को दे दिया है यीशु ने। ये फ्रेंड्स हमारे हस्बैंड लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं बाहर गार्डन की तरफ। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट भी है, बहुत अच्छा है, ये फ्लावर्स बहुत सुंदर लग रहे थे। और अब हम यहाँ से जाएंगे ओपन एयर थिएटर की तरफ, तो यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं तो यहीं पर स्टेज है उसी में होते हैं, और रात को कहते हैं लाइटिंग वगैरह भी होती है। रात को मैंने देखा नहीं है बट सुना है यहाँ पर लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छा शो होता है रात को। फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छा लगा होगा व्लॉग, और यहाँ पर मेरे सामने बच्चियाँ बाटी बैठी है तो बताओ बेटा तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा लगा इनको। तो आई होप आपको भी पसंद आया होगा वीडियो, तो अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय।